पटना हम लोग चंद्रनगर सामा कौनी मरुआ मकई यह चीना था गए झंडा कहता है वो थे दही सब खाते थे दूध का जरा दही दूध घी बना कर खाते। जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज मैं बकरी कस्बे से जो बिहार के बेगूसराय जिले के अंतर्गत है आज मौजूद हूँ एक ऐसे शख्स के बीच जो अब 116वें साल पहुँचने को हैं और आज जानते हैं उनके ही जवानी कि उनका ये राज क्या है, कैसे कैसे वो रहे हैं, क्या खाए हैं, क्या करते थे, किस तरह से करते थे, आइए जानते हैं इनसे ही। नमस्कार 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 नमस्कार। दादाजी बताएं क्या नाम हुआ आपका? ये नाम है झलक महतो। और खाना पीना रहन सहन आपका क्या था? जूता चप्पल पहनते थे? नहीं, जूता चले रहे, चप्पल चले रहेगा, गोल फाके लगे न तो चला पता फट गए, जब पहले गोल में लपटा लिए तब फाके गर्दा उदा। नमक कौन सा खाते थे? पहले ढेला वाला खा ले, ढेला वाला छूट गया अच्छा गुजरा वो नमक का खाए। तेल का कौन सा यूज करते थे? कोल्हू का, कोल्हू का, कोल्हू का सरसों तेल। हाँ अच्छा, घी मक्खन दूध किस गाय का यूज करते थे? देसी गाय, हमारे दक्षिण देसी रहेगा, दूसरे देसी गाय आज से दूध हो रहे ओकरे महल जाए ओकरे दही खोल जाए। दांत की सफाई कैसे करते थे? दांत सफा करी रहे बस दतु में लगा आज ना है तो बढ़िया मट्टी रहे, बढ़िया मट्टी रहे वो लगा मुंह में लगा रही। चीनी खाते थे या गुड़? गुड़ तो पूरा खा रही चाहिए, चीनी देश में मिल नहीं रही, चीनी मिल नहीं रही। तो अभी जाने कि ये क्या क्या खाते थे, इनके अनुसार ये पहले मरुआ सामा कोदो चीना इन सब का इस्तेमाल करते थे अनाज में, खाली पैर अभी तक हैं ये, और 1905 इनका जन्मदिन है, नीम का दतमन बबूल का दतमन का इस्तेमाल करते थे और अभी तक इनको चश्मा नहीं लगा है और स्वस्थ है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये खुश है स्वस्थ है लेकिन भारत सरकार का GDP नहीं बढ़ा पाए। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि झलक महतो 1905 इनका जन्मदिन है और ये बेहद स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो कहीं ना कहीं खुश होना भी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। और इन सब के बीच जो प्रेरक हैं आज जो हम लोग झलक महतो के बीच में है, ये हमारे पूर्व DGP बिहार और अभ्यानंद सर हैं और दरीचा जो IHEN है उनके प्रेरणा से आज मैं इनके बीच हूं और इनको जानने का प्रयास किया हूं। और मैं आपसे विदा लेता हूं और आप लोग भी देखें कि किस तरह से ये अपने जीवन को चला रहे हैं और अतीत को, मुझे लगता है कि अंततः आपको अतीत में जाना ही पड़ेगा, लौटना ही होगा जड़ों की ओर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उस समय जो अनाज खाते थे वो रासायनिक मुक्त अनाज होता था, फाइबर्स युक्त होता था और खान पान रहन सहन से ही लोग स्वस्थ रहा करते थे, इतनी दवाइयों का सेवन नहीं किया करते थे। तो ये जान के हम, मुझे लगता है कि स्वस्थस्व स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्व विकार प्रसन्नम चो को निश्चित रूप से ये चरितार्थ अपने आप को कर रहे हैं हमारे झलक महतो जी, धन्यवाद। मेरा नाम अभियानंद है, मैंने डॉक्टर रमन झा के द्वारा भेजा गया एक वीडियो जो 118 वर्ष के उम्र के एक स्थानीय व्यक्ति का है वो मैंने सुना है और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वो अनाज खाई है जिसका नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना था। परंतु पिछले कुछ महीनों से मैंने इन अनाज का सेवन करना शुरू किया था कुछ जानकारी हासिल करके, और जितनी भी शारीरिक समस्याएं थी उन सबों में धीरे धीरे करके सुधार होना शुरू हुआ। रोटी दूध जो A1 मिल्क कहलाता है इसका सेवन मैंने कई वर्षों पहले ही छोड़ दिया था और उसका अंतर दिखने लगा। मैं इस प्रयास से काफी खुश हूं कि लोग ये समझें कि उनकी जीवन शैली, खास करके जो खाना का सेवन वो करते हैं उसमें अगर हम अंतर लाएं
तो कम से कम स्वास्थ्य के मामले में दोनों शारीरिक और मानसिक हम पूर्व की अपेक्षा काफी बेहतर हो जाएंगे। विडंबना ये होगी कि मनुष्य स्वस्थ और खुश तो जरूर हो जाएगा, परंतु उन कॉरपोरेट्स का क्या होगा जो मार्केट में सामान लाते हैं जिसको हम प्रोसेस फूड कहते हैं, या फिर ड्रग्स लाते हैं बीमारियों के इलाज के लिए, उनके बिजनेस पर तो इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। उसके बावजूद भी यह एक विचार विषय रहेगा समाज के लिए कि क्या वो देश के जीडीपी में अनप्रोसेस्ड फूड को ला करके और उस और जो दवाइयां होती हैं उसको ला के जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, या उनको हटा करके अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना के रखना चाहते हैं। नमस्कार, आज आवश्यक है हम समझे कि हम समाज को कौन से रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होते जा रहे हैं। ये अब समाज की लगभग सभी परेशानियों के जड़ में है, चाहे हमारी सोच चरम पर जा रही हो, चाहे अपराध और घृणित हो रहे हो, चाहे लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे की मानसिकता समझना अब हमारे समझ से परे हो गया हो। उपनिषद में कहा गया है कि अन्नमयम ही सौम्य मन, अर्थात हमारा मन भोजन से ही बना हुआ है। विकास के नाम पर हम पारंपरिक समझ से दूर हो गए हैं और प्रचार प्रसार तंत्र से दिग्भ्रमित हो रासायनिक औद्योगिक भोजन को अपनाते गए हैं। फैक्ट्री में बने बीज, खाद, कीटनाशक आदि से हम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। हालांकि ये सब खरीदने से जीडीपी अवश्य बढ़ता है, ऊपर से बीमार होने पर जीडीपी में और बढ़त हो जाती है। जितनी अधिक बीमारी उतना ही जीडीपी अधिक बढ़ता है। महंगे हॉस्पिटल और स्वास्थ्य बीमाएं हमें स्वास्थ्य तो नहीं दे पाती, केवल जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान दे पाती हैं। जीडीपी एक ऐसा चश्मा हो गया है जिसे हमें हानि के जगह लाभ दिखने लगा है। हानि होती है हमारी पर हमें दिखता लाभ है। 115 वर्षीय बाबा इस वीडियो में हमें राह दिखा रहे हैं। आशा है हम समझें और सही राह देख पाएं। धन्यवाद।